हाँ काला जादू काबू किए हुए ने है मोहनी मंत्र भी पढ़ता है डरते नहीं बाबा पता नहीं कि शक्ति है ਸਾਂਚੀਆਂ ਦੋਨੇ ਆ ਜੀ ਦੋ ਭਾਗ ਆ ਦੋਨੇ ਭਾਗ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਾਂਧੀ ਬਹੁਤ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੋ ਤੇ ਇੱਕ हाँ जी मेरा नाम भाई कुलदीप सिंह जी है तख्त श्री दमदमा साहब तलवंडी साहब विखे हाँ जी कल तख्त श्री दमदमा साहब विखे साढ़े को कोई सूचना पहुंची सी मानयोग सिंह साहब जी के आदेश के मुताबिक साढ़े मानयोग इंचार्ज साहब सभा धर्म प्रचार कमेटी तो समूह पंज पैरे सभा उस पिंड विखे पड़ताल करने वास्ते पहुंचे सी उत्थे जाके सानू पता लग्या कि उत्थे एक पिंड के बार बार एक डेरा बनया होया जिन्हों के दरवेशा का डेरा कहा जाता है और उस डेरे के जो असी गए उत्थे कहिंदे एक दो साल तो अखंड पाठ साहब प्रकाश किए जाते हैं हर साल किए जाते हैं तो इस बार भी वह अखंड पाठ साहब किए जा रहे थे तकरीबन छेवां अखंड पाठ साहब जो चल रहा है लड़ी का तो वह अखंड पाठ के साहब के दौरान एक कोई पाठी सिंह से उसका नाम धर्म सिंह से धूरी के लागे का कोई रहने वाला से वह तो पिंड के कुछ सेवादार वालों जो उन्होंने शक सीगा उत्थे पहले ही उसके कमरे के जाके जो तलाशी ले गई तो वो बैग के कहते कि शराब की बोतल एक बरामद हुई तो मौके पर उन्होंने वालों वीडियो वगैरह भी वो बनाई गई सो इसकी पड़ताल करने वास्ते असं उत्थे पहुंचे सी तो उत्थे जाके वह पाठी सिंह तो पहला मौके पर ही उतों भज गया सी ते जिहड़ा उत्थों दा मौजूदा मुखी है बाबा बख्तौर सिंह उहदे नाल असीं गलबात कीती पूरा प्रशासन भी उत्थे आया होया सीगा पिंड वासी भी पूरी नगर पंचायत उत्थे मौजूद सी उत्थे जाके जो असीं बखतौर सिंह नूं पुछना कीता तां पहला तां उह मन्निया ना मुड़ के जदों दुबारा असीं सख्ती दे नाल उहदों पुछ पड़ताल कीती ते उत्थे होर तलाशी ली गई तां इक उस बाबे दे कमरे दे विच्चों पावन गुरबाणी दीआं पोथियां भी इतराजयोग हालत दे विच मिली इक पंज ग्रंथी साहब पावन पोथी साहब वह भी कुछ अंग उहदे उखड़े हुए सन उपरों जल्द है नहीं सी उहदी सो इस करके वह बहुत अवग्या हो रही है उत्थे गुरबाणी की तां उत्थे असीं तुरंत उत्थे एक्शन लिया और मानयोग सिंह साहब जी ने विचार करके जिहड़े पावन दो सरूप सीगे उत्थे इक गुरद्वारा साहब तों लिआंदा गिआ सी इक उत्थे पहलां ही पक्के तौर ते सीगा उह सरूपां नूं असीं तुरंत गुरद्वारा साहब विखे ते जिहड़ियां पोथियां सीगियां उहनां नूं पालकी साहब दे राहीं पहुँचा दित्ता गया और उस बाबे नूं बखतौर सिंह नूं पुलिस दे हवाले कर दित्ता गया और जिहड़े दूसरे भी सीगे बंदे उहनां ते भी कारवाई दी मंग कीती है ते सारी रिपोर्ट असीं जथेदार तख्त श्री दमदमा साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी नूं सौंप रहे हैं और साड़ी ही मंग है भी यह जे मनमत वाले लोगों से जोड़े गुरबाणी की ही कमाई खाते और गुरबाणी का निरादर करते हैं उन्होंने सख्त कार्रवाई होनी चाहिए है जी।